पाकिस्तान गए अंजू को लेकर पहले से ही कई तरह के सवाल उठ रहे थे। उसने पाकिस्तान से लौटने का वादा भी किया था, लेकिन अब अंजू के वीजा के फॉर्म कॉपी सामने आने के बाद अंजू का सबसे बड़ा झूठ पकड़ा गया है। न्यूज 18 इंडिया के वीजा के फॉर्म की कॉपी मौजूद है हमारे पास, जिस पर साफ साफ लिखा है कि वो शादी करने के लिए पाकिस्तान जाना चाहती है। यानी अंजू के अब तक के दावे झूठे साबित हो रहे हैं। अंजू अपने पति और बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान चली गई है और वहां उसने शादी भी कर ली है। लेकिन अंजू ने जिस तरीके के बयान दिए उसमें उसने शादी की बात से इनकार किया है। लेकिन अब जो दस्तावेज सामने आ रहे हैं वो सीधे सीधे ये बता रहे हैं कि अंजू झूठ बोल रही है। और ये तस्वीर किस तरीके से, ये तमाम दस्तावेज बताते हैं कि अंजू झूठ बोलकर पाकिस्तान गई थी। तो ये वीजा एप्लीकेशन फॉर्म है जिसमें लिखा हुआ है, जो पर्पस पूछा जाता है कि जाने का मकसद क्या है, उसमें अंजू ने लिखा है कि वो शादी के लिए पाकिस्तान जा रही है। और अंजू पर उठ रहे इन तमाम सवालों के बीच अब निकाहनामा भी सामने आ चुका है। निकाहनामे के मुताबिक अंजू ने 25 जुलाई को नसरुल्लाह से निकाह किया था। न्यूज 18 इंडिया के पास निकाहनामे की कॉपी भी मौजूद है, जिस पर अंजू यानी फातिमा और पाकिस्तान में उसके पति नसरुल्लाह के दस्तखत मौजूद है। पाकिस्तान में उसने इस्लाम धर्म अपना लिया है और इस्लाम कबूल करने के बाद उसने अपना नाम फातिमा कर लिया। पाकिस्तान में अंजू ने अब तक जितने भी बयान दिए हैं वो सवालों के घेरे में है। शुरुआत में अंजू ने जिसे अपना दोस्त बताया उससे अब निकाह करने की खबर सामने आई। अंजू ने भारत में रहते हुए पाकिस्तान के वीजा के लिए कब अप्लाई किया, वीजा के लिए अंजू ने कितनी बार दिल्ली के पाकिस्तान हाई कमीशन पर चक्कर काटे थे, ये भी कई बड़े सवाल हैं, जिसका जवाब अभी तक किसी के पास मौजूद नहीं है। एक रिपोर्ट के जरिए हम समझते हैं। अंजू की प्रेम कहानी में 420 एंगल, प्यार में अंजू दीवानी, साजिश की कहानी। हिंदुस्तान से पाकिस्तान तक अंजू सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। पाकिस्तान से अंजू का एक एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके साथ ही अंजू के कई झूठ भी सामने आ रहे हैं। अंजू के परिवार और उसके जानने वालों का दावा है कि अंजू हिंदुस्तान से पाकिस्तान पहुंचने के लिए ऐसी कई बातें कही, चेहरों को कपड़ों से ढककर हाथ में ब्लू बैग लिए अंजू अपने घर से 20 जुलाई को निकली। जब अंजू के पति अरविंद ने पूछा कि कहां जा रही हो, जवाब मिला जयपुर। ये अंजू का पहला झूठ था। अंजू जयपुर नहीं बल्कि दिल्ली जा रही थी। अरविंद का दूसरा सवाल था, जयपुर में क्या काम है, जवाब मिला सहेली से मिलना है। ये भी झूठ था क्योंकि जयपुर में उसकी कोई सहेली नहीं थी। पति को जयपुर में सहेली से मिलने की बात कहकर अंजू दिल्ली से निकली। आपको पता था कि वो जाने वाली है पाकिस्तान? नहीं, मेरे को इस मामले में पता ही नहीं है। और जब पता चला तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं तो बहुत हैरान हो गया था। वीजा कहाँ से मिला, कैसे मिला, वो भी नहीं मेरे को पता। आपको कोई जानकारी नहीं? नहीं है मैडम, किसी को भी नहीं, उनके माता पिता किसी को भी नहीं? नहीं पता है, किसी को नहीं है। वो संडे को मेरे को शाम को फोन आया तो मेरा बोली सबको बता दिया मैं। क्या आपको ये खबर मीडिया के थ्रू मिली है या अंजू ने आपको फोन किया था? अंजू का फोन आया था उसके भाभी पे व्हाट्सएप पे, तो बोली कि जीजू फोन आ रहा है बात कर लो। तो उसने बताई कि मैं रियल में बताऊं कहाँ हूँ, हाँ तो रियल में बताओ, तो उसने लाहौर का नाम लिया। उसका पति अरविंद यही कह रहा है कि मेरी पत्नी मुझे झूठ बोलकर भिवाड़ी से पाकिस्तान पहुंच गई। 22 जुलाई तक उसकी पत्नी व्हाट्सएप पर बात करती रही लेकिन उसे भनक तक नहीं लगने दी कि वो कहाँ है। अंजू पाकिस्तान पहुंच चुकी थी, परिवार समेत किसी को इसकी कानो कान खबर तक नहीं थी। क्या ये हो सकता है कि इससे पहले भी वो पाकिस्तान गई हो? ना, इससे पहले तो कोई था, कोई कुछ याद है कि इससे पहले लंबी छुट्टी पे वो कब थी? नहीं, लंबी छुट्टी पे तो नहीं जाती है, एक दो दिन की जाती है ऐसे। ये पहली दफा है जब इतने अच्छा इतनी लंबी छुट्टी पे बिना परिवार के? आपको डाउट नहीं हुआ कुछ कि जयपुर जाने के लिए या अमृतसर जाने के लिए एक हफ्ते, 10 दिन, 20 दिन की जरूरत क्यों है? एक हफ्ते के लिए उसने बोली थी तो वो 2-3 दिन तो घर पे रही। ठीक है, 2-3 दिन के बाद वो गई, बृहस्पतिवार को गई। हाँ, बृहस्पतिवार या शुक्रवार को गई है वो। इस बीच मीडिया में खबर आई कि राजस्थान की एक महिला पाकिस्तान पहुंच गई, ये अंजू ही थी। जब भिवाड़ी में अंजू के पति अरविंद को इसका पता चला तो उसने अंजू को व्हाट्सएप कॉल किया।
उसने अंजू से पूछा, तुम कहाँ हो? जवाब मिला, लाहौर हूँ अपनी सहेली के पास। अंजू ने यहाँ दो झूठ बोले, पहला कि वो लाहौर में है और दूसरा कि वो सहेली के घर पर है, जबकि 22 जुलाई को ही नसरुल्ला उसे पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के जिला दीर बाला में अपने घर ले गया था। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक नसरुल्ला और अंजू दोनों ने पाकिस्तान में पुलिस को बताया कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, इसलिए वो पाकिस्तान में मिलने आई है। वहीं अंजू ने खुद को पुलिस को ईसाई धर्म से ताल्लुक रखने वाली तलाकशुदा महिला बताया, लेकिन भारत की मीडिया को अंजू कुछ और ही कहानी सुना रही है। मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे लीगल तरीके से आई हूँ और मैं अपनी प्लानिंग से आई हूँ। ये कोई दो दिन की बात नहीं है कि मैं अचानक से आ गई हूँ, और मैं यहाँ पे सेफ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मैं आई थी और वैसे मेरे जाने का प्रोसेस है, और मैं वापस भी आ रही हूँ। मैं अभी बस दो तीन दिन में मैं पहुँच जाऊँगी वहाँ पे आराम से। हैरानी इस बात की है कि तीन दिन पहले ही नसरुल्ला ने पाक मीडिया से कहा था कि अंजू सगाई करने के लिए पाकिस्तान आई है और वीजा खत्म होने से पहले वो भारत लौटेगी और अगली बार जब आएगी तो उनका निकाह होगा। वहीं नसरुल्ला के दोस्त नोमान, जिसने अंजू का वीडियो शूट किया है, उसने न्यूज 18 को बताया कि अभी शादी नहीं हुई है, ना ही उनका शादी का कोई इरादा है। लेकिन अंजू क्यों बन गई फातिमा, इस पर नोमान का जवाब भी सुनिए। तो वो सिर्फ और सिर्फ अपर दीर एक खास पार्ट के लिए आई हुई है, और वो सिर्फ और सिर्फ 30 दिन का वीजा है, और अलाव मेरे ख्याल में 14 या 16 दिन का वो अलाव है। यार कोई प्री वेडिंग शूट वेडिंग वाली नहीं थी, न कोई प्री प्लान था, न कोई वेडिंग सेरेमनी है, और ना अभी तक वेडिंग सेरेमनी, मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ, न कोई वेडिंग सेरेमनी हो गई है, न कोई एंगेजमेंट सेरेमनी हो गई है। इतनी बड़ी वक्त की बड़ी खबर बता दें, अंजू केस पर विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान सामने आया है। एमईए प्रवक्ता अरिंदम बागची ने यह कहा कि अंजू का मामला निजी मामला है। अंजू केस विदेश नीति का मामला नहीं है, ये बयान दिया गया है विदेश मंत्रालय की तरफ से। एमईए प्रवक्ता अरिंदम बागची की तरफ से दरअसल ये बयान दिया गया है अंजू के मसले को लेकर। अंजू के मामले पर सवाल खड़ा किया गया तो उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल नितांत व्यक्तिगत मामला है और इसीलिए इसमें विदेश मंत्रालय की तरफ से ऐसी कोई बात कहने की कोई गुंजाइश भी नहीं है। प्रवक्ता की ओर से यह बात कही गई है कि अंजू का मामला भारत से पाकिस्तान जाने का मामला, उनका अपना निजी मामला है। और ये साफ किया गया है विदेश मंत्रालय की तरफ से कि ये निजी मामला है, ऐसे में विदेश मंत्रालय का इसमें दखल नहीं है, क्योंकि ये जिस तरीके से मामला सामने आया है मीडिया में, ये मामला छाया हुआ है। और अब यहाँ पर एमईए की तरफ से ये कहा गया है कि अंजू का मामला निजी है, विदेश नीति का मामला ये नहीं है। इस बीच बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी और विपक्ष के गठबंधन INDIA पर निशाना साधा।